मैं कोई बड़ी चीज नहीं दिलवा सकता, मतलब कि कुछ पुराने कपड़े थे, नए भी नहीं थे, बस दो चप्पल दी थी, पुरानी चप्पल थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि लोग कह रहे हो भैया ऐसा कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते जी, क्या हाल चाल आप सभी के। तो भैया आज की बात कुछ ऐसी है, कभी घर जैसी है, रोज घर वाली बात होती है। आज का सीन कुछ ऐसा है, सीन तो क्या ही है, सबसे पहला काम है आज का मेरा भांजे की कटिंग करवाना। हार्दिक इधर आ। तो आज मेरे को करवानी है, क्या करवाना है तेरे को? कटिंग। कैसी करवाएगा? मेरे जैसी है? कैसी करानी है? जैसी मर्जी। नहीं बता, मेरी जैसी करानी है, कैसी करानी है? जैसी। अपने जैसी करा दूं गंदी है? जैसी मेरी गंदी कटिंग है वैसी करा दूं? क्या आपकी जैसी करा है? आपकी जैसी करा। अच्छा, ये ना थोड़ा आराम से बोलता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल चलते हैं, वैसी कटिंग वटिंग करवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या कुछ सी रहता है। ठीक है ना? तो भाई हार्दिक की कटिंग हो गई है, कटिंग करवा ली है नंगा, ये सारे देखेंगे। हार्दिक, ओए हार्दिक भाई, ये क्या था? अतरीगा है वे? पीछे दिख रहा है, वीडियो व्लॉग बन रहा है बेटा। ये कटिंग तो दिखा, अपनी खड़े करके दिखाइए, बाल कैसे होते हैं। अरे बाल खड़े करके दिखा। ओए भाई ले भाई भाई ले, टाइम ने भी देख लिया, टाइम ये सो रहा है, टाइम ने भी देख लिया भाई, सारे देखेंगे, अब क्या कहेंगे सारे। ओए तो भाई हेयर कट हो गया है, कैसी लग रही है कटिंग? ओए हार्दिक इधर देखो, अच्छी लग रही है। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा सब्सक्राइब करो। हाँ। ये तो मैंने कहा नहीं था, अपने आप बोल रहे हो। हाँ। हैं ये इतने सारे कलर कैसे? होली ज्यादा खेली थी। हाँ। आपकी नंगे वाली वीडियो भी देख ली सबने, और अब नोने कपड़ों में भी देख ली है ना, देख ली ना। हाँ। है ना? हाँ, देख ली है। बहुत मजा आया है। क्या मजा आया है? नहाने में। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मजा आता नहाने में, कल भी नहाऊंगा। ज्यादा नहाता है तू? हाँ। मेरे को तो मजा ही नहीं आता नहाने में। मेरे को तो आता है, पर मेरे को नहीं आता नहाने में मजा। मेरे को तो आता है नहाना। मेरे को नहाना पसंद ही नहीं है। मेरे को है। क्यों? मेरे को सब पता था। क्या पता था? कि मेरे को नहाने आता। नहाने आता है? हाँ। चलो सही है, ठीक है ना। हाँ। कटिंग बढ़िया है। हाँ जी। चलो ठीक है। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मैं जाऊंगा एक बारी कुछ काम से। काम क्या है, थोड़े से कपड़े और एक दो चप्पल वगैरह है बच्चों की, जहाँ मैं जाता हूँ ना पहले, मैं केक वगैरह भी दे गया था, और भी काफी टाइम से जाता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि चप्पल हो कपड़े हो तो दे देना। तो भाई कपड़े वगैरह है थोड़ी सी बहन के पास पड़े थे, मैंने इसको भी बोल दिया छोटे बच्चों के, तो मैंने कहा यार बालक बालक पहन लेंगे वहाँ पे, तो फिलहाल चलते हैं घर से और उनको एक बारी वो कपड़े वगैरह देते हैं, फिर एक दो काम भी है वो भी निपटाते आएंगे, पहले वहाँ चलते हैं। ठीक है? ठीक है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, घर से चल दिए थे, ये अमन साथ है मेरे, तो हम जा रहे हैं फिलहाल, हमने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, एक बारी करता मन का भाई चल भाई तू भी साथ चल, तो अपना एक बारी साथ जाके कपड़े वपड़े पीछे रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े हैं, ये सारे अपना देंगे, और एक दो सैंडल हैं तो वो दे देंगे बच्चों के ही हैं, ज़्यादातर बड़ों के एक दो हैं, क्योंकि यार मेरी बहन के वाला क्या ना, जैसे पहले थोड़े छोटे वाले थे, अब वाले भी थोड़े कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो यार ऐसे यार किसी के काम आ जाएंगे। तो कई बार ऐसे होता है कि मैंने भी देखा है कि हमारे घर वाले कई बार ऐसे करते थे, जैसे बर्तन बेचने वाले थे तो उनको कपड़े दे के बर्तन ले लिया कुछ, तो ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप दे सकते हो तो ऐसे किसी जरूरतमंद को दे देना, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, जिसको भाई समझना होता है एक बारी में समझ जाता है, बट ठीक है चलते हैं। कपड़े भी हैं बच्चों के, कपड़े भी हैं। हाँ बुला लो। तो भाई हमने सबको दे दिए हैं कपड़े, ज्यादा पुराने तो नहीं है ना, चलो और भी आएंगे ना। तो ये दोनों भाई आए थे, कह रहे भाई चप्पल, मैं तो इनको कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो छोड़ दूंगा चप्पल दिला के, हैं डर लगता है यार, मैं बेकार बंदा हूँ, बेकार हूँ अच्छा हूँ बंदा हूँ, हैं अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा तुमको, या ले आऊं, हैं
लेके आ जाऊं नई चप्पल? चल ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, अगर मेरे को यहीं पे दुकान मिल गई ना तो मैं यहीं से लेता हूँ। ठीक है, तो भाई उन दोनों के लिए ये हमने नई चप्पलें ले ली हैं। तो मैंने कहा चलो यार, बालकों ने आके आराम से बोली, मतलब मेरे को डायरेक्ट नहीं बोल पाए, आराम से बोल रहे थे कि भैया को बोल दे चप्पल ले आएंगे, अमन बोल रहे थे ना वो। बोल रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो दिलवा के लाते हैं। तो मैंने उनको बोला पहले गाड़ी में बैठ जाओ, बैठे नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं, देखता हूँ फिर मेरे को यहीं आसपास में सेक्टर में मिल गई तो मैंने कहा चलो दिलवाते हैं, अब उनको देते हैं, देखते हैं यार खुश हो ही जाएंगे। मेन बात है फिलहाल एक बार उनको पकड़ा के। ये मेरे को बोल रहे थे हैं, एक छोटी एक बड़ी है, ले छोटी वाली तेरी है, बड़ी तेरी है, ठीक है ना। ये दोनों मेरे को बोल रहे थे कोई नहीं आके मैं आऊंगा ना, अभी ये मेरे को दोनों कह रहे थे नहीं है, ये ले पहन ले। मैं भी आके जब भी आया करूंगा। तो भाई इनको दे दिया चप्पल, नहीं है मजा आ गया है, इसको मजा आ गया, सही है, इसको भी दे दिया भाई। हाँ लेके आऊंगा मैं, ठीक है, खुश होके दिखा दो एक बार, ये आइयो खुश होके दिखा दो, ठीक है चलो ठीक है। तो भाई कपड़े दे दिए, दो चप्पल नहीं थी बच्चों के पास, मेरे को बाद में पता चला औरों के पास भी नहीं थी, तो दो उस टाइम बोले भैया को क्या चप्पल दे, तो मैंने सुन ली तो मैंने वो चप्पल भी ला के दे दी। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं एक छोटा इंसान हूँ जो कि छोटी चीजें कर सकता है, मैं कोई बड़ी चीज नहीं दिलवा सकता। मतलब कि कुछ पुराने कपड़े थे, नए भी नहीं थे, बस दो चप्पल दी थी, पुरानी चप्पल थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि लोग कह रहे हो भैया ऐसा कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं कुछ हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, बस भगवान ने जो मेरे को दिया है, मेरे माँ बाप ने जो मेरे को सिखाया है, मैं बस वो कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूंगा। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि इस दुनिया में 60 बंदे अच्छे हैं तो 40 बेकार भी हैं, बट मैं 40 बेकार वालों को नहीं देखता, 60 अच्छे वालों को देखता हूँ जो मेरे को यहाँ देखने आ रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। बाकी रही बात आगे सबको चप्पल पहनाने की, आप सबके ऊपर है, अगर आप सबने 1000 शेयर भी कर दिए तो मैं यहाँ पे आऊंगा और 7-8 जितने भी चप्पलें होंगी सबको चप्पल पहनवा के जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा भी सही, आप सबको, मतलब सबको तो क्या, आप सबको जितने लोग देख रहे हैं, तो ठीक है और कुछ नहीं कहूंगा बाकी, ठीक है यार भगवान हमको दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं। तो भाई वहां से आ गया था, ये मैंने जूस पिया, मैं भैया को पहले पैसे दे रहा, भैया कह रहे बाद में दे देना, इनका नहीं पहले भाग गया, तो भैया कह रहे कहाँ जाओगे, भाग के देखो भैया से एक बार पूछता हूँ, भैया अगर मैं आपके पैसे लेके भाग गया तो? अरे तो कोई बात नहीं भाई, हैं हमारी किस्मत लेके जाओगे ना, वैसे मेरे से प्यार प्रेम है, वैसे कह रहे थे? वैसे कह रहे थे तो भाई इसलिए मैंने भैया को बोला, मैंने कहा पैसे लेके भाग जाऊंगा, तो भैया बोले कहाँ मेरी किस्मत थोड़ी लेके भाग जाएगा, कह रहे थे ना भैया। भाई यही कुछ प्यार प्रेम है, तो ठीक है भैया, तो यही कुछ प्यार प्रेम होता है भाई मेरा, यार यही होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मतलब कि सबको मेरे से प्यार हो जाता है, जैसे आप सबको मेरे से प्यार है ना, तो लोगों को भी मेरे से प्यार हो जाता है, यही तो चीज है भाई, तुम्हारा भाई से प्यार हो जाता है। जूस पियोगे? किन्नू का है, पी लेते हो तो भाई आ जाओ पी लो, ठीक है, तो ठीक है भाई सीन कुछ ऐसा है, जैसा कि सब कुछ निपटा के आगे थे, अपना जूस भी ले था और जो कुछ आपने देखा वो सब हो गया था, मतलब लोग खत्म कर रहे हैं, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। फिलहाल रोटी खाने का टाइम हो रखा है, 9:15 बज रहे हैं, गला वाला खराब दिख ही रहा होगा, ये रहा हमारा गिम्बल, क्योंकि कल है हमारा शूट, स्क्रिप्ट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ कल शूट पे जाना है, तो गले को थोड़ा सा रेस्ट दूंगा इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, तो ठीक है ना भाई, ये कुछ सीन है। फिलहाल मैं खाऊंगा रोटी तो क्या, परांठे चूरी खाऊंगा, चूरी मेरे को बहुत पसंद है, देसी की डाल के ना उसमें बहुत पसंद है, किसी घर आऊँ तो मेरे को खिलाना, मैं खा लूँगा, ठीक है। हाँ तो यही कुछ सीन है, बाकी एंड में छोटी बात कहूँगा, छोटा इंसान हूँ, छोटी चीज़ कर सकता हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू।